नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। सममिति यानी कि अगर हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं या फिर कोई वस्तु, जैसे हमारे पास यहाँ एक पेज है, इस पेज को जब हम देखते हैं तो पेज को जब हम पूरी तरह इसको हाफ पार्ट से फोल्ड करते हैं, इसको जब बीच से फोल्ड करते हैं तो देखिएगा, जब हम बीच से फोल्ड किए तो ये इसका जो पीछे का पार्ट है, जो इसका पीछे का पार्ट है वो आपको नहीं दिख रहा है, जो इसका पीछे का पार्ट है वो आपको नहीं दिख रहा है, बस फ्रंट साइड दिख रहा है। जब फ्रंट साइड दिख रहा है और पीछे का पार्ट को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले यानी कि ढक ले, तो इसे क्या बोलते हैं, इस फिगर को क्या बोलेंगे, सममिति फिगर। मतलब कि जो पिक्चर में एक ऐसा एक्सिस, एक ऐसा लाइन जो पूरी पूरी ओवरलैप हो जाए और वह पीछे के पीछे का जो जो पीछे का पेज है उसे वो दिखे ही नहीं, वह पेज वह जब हम फोल्ड कर ले तो वह दिखे ही नहीं, तो उसे बोलते हैं सममिति पिक्चर, उसे सममिति फिगर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसे इसे इक्वल यहां से फोल्ड करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे यहां से फोल्ड करते हैं तो देखिए यहां से देख करने में क्या हुआ कि हमारा जो आगे का जो पेज जितना हमने मोड़ा है वो भी दिख रहा है और ये जो पीछे का है वो भी हमारा आधे से ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो है, ये पिक्चर, ये जो हमने ये जो बनाया, हमने जो ये फिगर का जो फोल्ड किया, जो फोल्डिंग लाइन है वो इस पार्ट को पूरी पूरी दो भागों में डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये पूरा पूरा दो भागों में डिवाइड करता तो ये क्या होता, ये पीछे का जो भाग है वो इस प्रकार ढक जाता, लेकिन अभी हमारा 1/4 या हाफ पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी क्या होगा कि ये जो लाइन है वो सममिति लाइन या फिर सिमेट्री एक्सिस नहीं है, ये जो लाइन क्या है वो सिमेट्री एक्सिस नहीं है, इसीलिए यह रॉन्ग हो जाएगा, ये सिमेट्री एक्सिस नहीं होगा, यानी ये सिमेट्री फिगर भी नहीं। तो इसे अगर इसे और करते हैं, यहाँ से फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ के इसके 1/4 पार्ट ही यहाँ पे ओवरलैप हुआ और ये पूरे पार्ट दिख रहे हैं, तो ये जो पूरे पार्ट दिख रहे हैं और ये तो ये भी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसे हम इसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है, ये इसको इसको ये जो सिमेट्री, ये सिमेट्री लाइन सही नहीं है। सिमेट्री लाइन सही कब होगा, जब हम इसको हाफ पार्ट से डिवाइड करें और यह पूरी तरह पीछे के फिगर को ओवरलैप कर दे, पीछे के फिगर को पूरी तरह ओवरलैप कर दे, तब उसे बोलते हैं सिमेट्री एक्सिस, और ये जो लाइन होगा उसे क्या बोला जाएगा, सिमेट्री एक्सिस। ये जो लाइन हुआ, जिस लाइन से फोल्ड करने पे यह फिगर, यह जो पिक्चर है, इसे मान लीजिए कि ये पिक्चर है, ठीक है, ये पेज है, ये पेज के पीछे लाइन को पूरी तरह से क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, पीछे के पे इसी पेज के बराबर जो पेज है, ये जो पेज है जब हम बीच से इसे फोल्ड कर देते हैं तो पीछे का जो पीछे का जो भाग है वो पूरी तरह आगे वाले ओवरलैप कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्री। आप इस तो इस जो लाइन है उसको बोला जाता है सिमेट्री एक्सिस। तो हमको पिक्चर में देखना है क्या कि कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जो सिमेट्री एक्सिस उसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये है, ठीक है। अब देखिए, जो स्क्वायर रहता है, स्क्वायर के जो सभी ये इसकी जो सारों चारों किनारे होते हैं, जो चारों भुजाएं होती हैं, और जो वो सभी क्या होती है, उसके वह इक्वल होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस कारण क्या होता है कि इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसे इस प्रकार, इसे बीच से इस प्रकार भी डिवाइड कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, या फिर इसको ऊपर से नीचे भी हम कर सकते हैं, तभी ये ओवरलैप एक दूसरे को कर देगी। जैसे देखिए, ये तो हमारा रेक्टेंगुलर है, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, तो इसमें भी हम इस तरह से भी इसको फोल्ड करते हैं, तो ये पीछे के पार्ट को ओवरलैप कर दे रहा है, पीछे का पार्ट नहीं दिखना चाहिए, जब नहीं दिख रहा है तो वो ये जो एक्सिस है वो सिमेट्री एक्सिस है, और ये जो है वो सिमेट्री
पिक्चर है, ये सिमेट्री पिक्चर है। अब देखिए, अब इसमें अगर आप स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर को यह तो एक उसका सिमेट्री एक्सिस बनेगा, यह भी एक सिमेट्री एक्सिस बनेगा, और जो ये रहेगा यह भी एक सिमेट्री एक्सिस बनेगा और यह भी एक सिमेट्री एक्सिस बनेगा। जब आप स्क्वायर बनाते हैं, आप रेक्टेंगुलर बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बनाते हैं हम, तो देखिए जो भी अभी हम देख रहे थे ये हमारा जो ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर है। अब ये रेक्टेंगुलर के ये एक्सिस एक होते हैं और दो होते हैं। रेक्टेंगुलर के कितने ये सिमेट्री एक्सिस होते हैं? दो। अगर हम इसे इस तरह से फोल्ड करें, इस तरह से फोल्ड करें, देख अगर हम रेक्टेंगुलर को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ देखिए ये पूरी तरह से पीछे के पार्ट को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये पार्ट इधर दिख रहा है और ये पार्ट इधर दिख रहा है, तो ये सही सही सिमेट्री एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो सही सही सिमेट्री एक्सिस नहीं है। ये जो ये इस प्रकार हम फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्री नहीं बने। अब यहाँ देखिए इसको इस रेक्टेंगुलर के सिर्फ दो ही सिमेट्री एक्सिस होते हैं। सिमेट्री एक्सिस का मतलब होता है जिस लाइन से उसे क्या किया जाए, दो भागों में पूरी पूरी डिवाइड किया जाए। यहाँ देखिए और ये इसके दो होते हैं, जबकि स्क्वायर के क्या होते हैं? चार होते हैं, और जो रेक्टेंगुलर है उसके क्या होते हैं? टू होते हैं। यहीं पे आप ये जो है ट्रायंगुलर देखिए, यहाँ आप देखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल में आप देखिएगा कि ट्रायंगल टू टाइप्स के होते हैं, ट्रायंगल टू टाइप्स के होते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है और एक होता है आइसोसेलिक ट्रायंगल। तो जो इक्विलैटरल होता है उसकी क्या होती है, तीनों भुज, जो इसकी तीनों लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, उसके तीनों लाइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसको यहां से भी आप डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट, टू पार्ट में, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इसके यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है यह इक्वल इसके किनारे नहीं बने, इसकी जो भुजाएं हैं वो इक्वल नहीं बनी है। तो इसके कितने होंगे, इसके बस टू पार्ट होंगे, इसके बस 20 से डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, यह इसके सिर्फ एक ही सिमेट्री एक्सिस होंगे, इसके इस ट्रायंगल के कितने सिमेट्री एक्सिस होंगे, ओनली वन होंगे। वहीं पे आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं, जैसे कि हमने कोई फ्लावर बनाया, ठीक है, अब जब हम इस फ्लावर को दो भागों में बराबर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये फ्लावर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है पूरी तरह से? जब ओवरलैप कर लेगा तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्री एक्सिस, अगर नहीं करेगा तो उसे हम सिमेट्रिक फिगर नहीं बोलेंगे, वो सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा। तो इस प्रकार आप सिमेट्री को पढ़िए और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बनाने का